मतलब पटका और रंगों का बाहर होता है। नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू छंदस किचन एंड व्लॉग। आज हम जाएंगे थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए, तो आप लोग को भी ले जाएंगे हमारे साथ। और थोड़ा सा घर में सजावट किया है, थोड़ी देर में हम लोग निकल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग के साथ बने रहिए और देखते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग निकल गए हैं रास्ते पर, देख रहे हैं घर का गली से निकल रहे हैं। आज तो घर घर में एकदम लाइट और लाइट है, चाहिए सबका ही घर एकदम लाइट से भर जाता है। तो देखिए हम लोग भी रास्ते में जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है चारों तरफ, एक चीन अंधेरा भी नहीं है। और ये जो लाइट है देख सकते हैं, आप लोग को भी जरूर अच्छा लगा होगा। वही देख कुकुरटा किंतु पेछने जाच्छे। होगा बहुत अच्छे से, लेकिन ज़्यादा गाना नहीं लोड करेंगे, लेकिन नहीं तो कॉपीराइट पड़ जाएगा। तो फ्रेंड्स देखते रहिए, बहुत चारी तरफ से उजाला ही उजाला है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मन भी खुश हो जाता है इस तरह का, जब चारी तरफ लाइट और लाइट हो जाता है। तो हम लोग इंतज़ार करते हैं कि कब दिवाली आए और चारों तरफ रंगली और लाइट से भर जाए। तो देखिए यहाँ पे जो पेंडल है कितना अच्छे से कारोबार किया है, मतलब कितना अच्छे से जो आर्ट किया है, बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं मैं पहले दिन में भी एक वीडियो बनाया था इसी पेंडल का, लेकिन दिन का बात ही कुछ अलग था, लेकिन रात में देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और अभी तक ठीक से सजावट नहीं हुआ है, धीरे धीरे हो रहा है। ऐसे हम लोग दशहरा में भी हम लोग को जो पेंडल दिखाया था इस तरह का, बहुत वो भी अलग था, लेकिन माँ जो काली माता का पूजा होता है ये भी बहुत ही अच्छा है। तो देख सकते हैं कितना प्यारा सा मूर्तियाँ है और कितना अच्छा पेंडल भी है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग को कैसे लगा वो भी ज़रूर कमेंट करके बताना। और कौन कौन इस तरह से आप लोग निकला है घर से पेंडल देखने के लिए, वो भी ज़रूर कमेंट करके बताना। तो देख सकते हैं मैं जितना हो सके आप लोग को इस तरह से दिखा देती हूँ। थोड़ा सा पास से मैं वीडियो कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा ऊंचाई ज़्यादा है, ये जो पेंडल है बहुत ज़्यादा ऊंचाई है, तो मैं दूर से थोड़ा सा आप लोग को भी दिखा दूँगी। अभी ऐसे तो पहले दिखा देती हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं कितना लाइट है चारों तरफ। अभी थोड़ा भीड़ कम है, जितना रात होते जाएगा उतना ही अब भीड़ बढ़ते जाएगा, तो अभी थोड़ा भीड़ कम है इसलिए हम लोग जल्दी निकाला है घर से। जितना रात होगा वो पटाखा भी बहुत ज़्यादा ही फूटेगा। तो चलिए मैं थोड़ा दूर से दिखा देती हूँ आप लोगों को, तो देख सकते हैं दूर से इसका इसका लुक्स कितना अच्छा है और कितना अच्छा लग रहा है। अभी रात में जो लाइटिंग किया है ना, इसी वजह से बहुत अच्छा लग रहा है। इधर से बहुत सारे पेंडल है, मैं जितना हो सके आप लोग को दिखाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा देर तक हम नहीं रहेंगे। ये तो दूसरा है मंदिर है, ये मंदिर है, डेली पूजा होता है इस मंदिर में। आज बहुत अच्छी से इसका सजावट भी हुआ है, देख सकते हैं मंदिर में सब पूजा भी दे रहा है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा लोग उपवास भी करते हैं, व्रत करते हैं, इसी वजह से ज़्यादा भीड़ है। अभी थोड़ा कम, फिर भी अभी थोड़ा कम है, धीरे धीरे इससे यहाँ पर भी भीड़ बढ़ जाएगा। तो थोड़ा हेलो हेलो
का मुक्ति है। तो चलिए अब चलते हैं दूसरी तरफ, ये बस लाइन के उस पर है, तो देख सकते हैं जो पेंडल दिख रहा है, तो रास्ते में गाड़ी है तो इसको हम क्रॉस करके उधर जाएंगे। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ इस पेंडल को भी हम तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? तो वीडियो अच्छा लगा तो जरूर एक तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बटन को जरूर ऑन करके रखना ताकि मेरे हर वीडियो सिर्फ आपके पास आ जाए। तो थोड़ा सा पेट पूजा भी अब कर लेते हैं, फिर मिलेंगे और एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।